रुख करेंगे खेलों की खबरों की जानिब। इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी शॉट आउट पर हराकर फुटबॉल की यूरोपीय चैंपियनशिप जीत ली। इटली ने यूरो कप का ताज अपने सर सजा लिया। लंदन में खेले जाने वाले फाइनल में मुकाबला पहले 90 मिनट में 1-1 गोल से बराबर रहा। इजाफी वक्त में भी कोई नतीजा ना निकला। मामला पेनल्टी शॉट आउट पर किया गया, जहां इटली को कामयाबी हासिल हुई। इटली ने पेनल्टी किक्स पर 2-3 गोल से यूरो कप अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस का टाइटल अपने नाम कर लिया। सर्बियन स्टार नोवाक जोकोविच ने कैरियर की 20वीं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतकर रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के रिडार में शमूलियत अख्तियार कर ली। नोवाक जोकोविच ने कैरियर में 6ठी बार विंबलडन ट्रॉफी अपने कब्जे में की। तीनों खिलाड़ियों ने 4थी सदी से आलमी टेनिस पर उजारादारी कायम कर रखी है। अर्जेंटाइन ने ब्राजील को शिकस्त देकर कोपा अमेरिका कप जीत लिया। मैच के 22वें मिनट में अर्जेंटाइन की जानिब से शानदार मूव बनी और दिमारिया ने खूबसूरती से गेंद हरीफ टीम के जाल में पहुंचा दिया। इसके बाद मैच का पहला हाफ 1-0 के स्कोर से ख़त्म हुआ। दूसरे हाफ में भी ब्राज़ील ने गोल बराबर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हो सकी।